हड़ताल से हाहाकार। जी हाँ, बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में देश के राष्ट्रीय बैंकों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका व्यापक असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बैंकों की यह हड़ताल आज और कल यानी 2 दिन रहेगी। राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी कई जिलों में बैंकों के बाहर बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में देश के राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी दफ्तर की बजाय सड़कों पर नजर आए। बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जहां पूरे देश में राष्ट्रीय बैंकों के 2 दिन के हड़ताल का आह्वान किया गया है, तो वहीं प्रदेश में भी बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिला। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हड़ताल की तस्वीरें सामने आई, जहाँ बैंक कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर बैंकों के बाहर निजीकरण का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाय 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 हाय। आपको अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैंकों के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें बल्लभगढ़, कैथल, हिसार और रेवाड़ी की हैं, जहां बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 का विरोध किया। सर्कल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, रेवाड़ी चरपुरा सर्कल सेक्रेटरी हूँ। हमने यूनाइटेड फॉरम बैंक यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे, जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है इसके विरोध में। साथ में जो 2021 बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल सरकार जो ला रही है संसद में, उसको वापस लेने की हमारी मांग है। हमारी दो ही मांग, मेन मांग हमारी ये, निजीकरण बंद करो, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल वापस लो, क्योंकि निजीकरण जनता के लिए धोखा है। अब आपको प्रदेश के एक और भी अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। फरीदाबाद यूनिट में निजीकरण के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि पब्लिक सेक्टरों के बैंकों के निजीकरण से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को नुकसान होगा और इससे स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कर्ज प्रवाह पर भी असर पड़ेगा। आज हड़ताल, सरकार 2 बैंकों को बेचने का बिल ला रही है पार्लियामेंट में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। उसका हम घोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। इसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी फरवरी में और 2 स्ट्राइक हैं और हम इसको किसी भी हद तक आंदोलन में जाएंगे। इनडेफिनेट स्ट्राइक तक हम इसको संघर्ष करेंगे। अगर आगे नहीं मानी तो क्या करोगे? इंडेफिनिट स्ट्राइक जाएंगे और जनता को जोड़ेंगे, दूसरी ट्रेड यूनियन का साथ लेंगे। ये तो आम जनता का झगड़ा है, ये सिर्फ बैंक एम्प्लॉइज का झगड़ा नहीं है। बैंकों की हड़ताल की तस्वीरें अंबाला शहर से भी निकलकर सामने आई, जहां बैंक कर्मचारी और अधिकारी धरने पर बैठ गए। सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि यह हड़ताल लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए की जा रही है। अंबाला के बाद अब आपको जींद जिले की तस्वीरें से रूबरू कराते हैं। जींद में बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे और लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। बैंक कर्मियों ने 17 दिसंबर तक बैंक बंद रखने का ऐलान किया है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार निजीकरण में लगी है और सरकार बैंकों को निजी हाथों में दे देगी, जिसके बाद रोजगार का संकट भी पैदा होगा। अंबाला और जींद के बाद अब पानीपत से बैंक हड़ताल की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भी केंद्र सरकार के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया और इसके साथ ही बैंक कर्मियों ने कहा कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहती है, जिससे गरीब आदमियों का नुकसान होगा। ये तस्वीरें चरखी दादरी की हैं, जहां बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में शहर भर में प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार सभी सरकारी महकमों को निजीकरण करना चाहती है। हम सरकार को मुनाफा कमा कर दे रहे हैं, फिर भी बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। अब बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से 300 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रभावित हुआ। आक्रोशित कर्मचारियों ने इसे सरकार की सोची समझी साजिश बताया। ये तस्वीरें भिवानी की हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जिसमें यूनियन ने निजीकरण को लेकर कामकाज पूरा ठप करके रखा। कर्मचारियों का कहना है कि ये निजीकरण पब्लिक के हित में नहीं है। सरकार इस तरह की विनाशकारी नीतियां वापस नहीं लेती तो भविष्य में ये नीतियां देश को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलेगी। दूसरी तरफ बैंक की हड़ताल से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज जो हड़ताल है, इसकी अपनी खामी है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए और देखा जाए तो कुछ हद तक बात भी ठीक है, 100% प्राइवेटाइजेशन तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जब ये सरकारी बैंक बनाए गए थे वो इसी उद्देश्य से बनाए गए थे कि
गरीब आदमी को इसका लाभ मिलेगा, और अगर सारा ही प्राइवेटाइज कर दिया गया तो गरीब आदमी को लाभ से बहुत वंचित हो जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से इनकी समस्या का समाधान निकलता है या फिर बैंक कर्मी आगे भी हड़ताल करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और इसी के साथ हमारी इस खास